मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुपट्टे में लैस लगाना बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास ये वाली लैस है मोतियों वाली, तो इसके किनारे किनारे पे हम लैस को कैसे अटैच करेंगे, आसान तरीका बताने वाले हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये लैस ऐसे लेनी है, इस साइड आपको लैस रखनी है और इस साइड आपको दुपट्टा रखना है, और ये लैस किनारे से थोड़ा हट के स्टार्ट करनी है लगाना। यहाँ से यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे इसको, लैस को इस साइड और ऊपर इसके दुपट्टा रखेंगे। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, लैस को थोड़ा सा खींच के रखना है और दुपट्टे को नॉर्मल रख लेना है, और यहाँ से सिलाई ऐसे लगानी है आपको। देखो आगे जब कोना आएगा तो मैं आपको मोड़ना बता दूंगी, जब तक कोना नहीं आता है तो हमें सिंपल ऐसे ही लगानी है। तो देखो यहाँ पे कोना आ गया है, कोने तक हमने सीधी सिलाई लगा ली। अब हमें लैस को सीधा ही रखना है और ऐसे दुपट्टे को पकड़ के घुमा देना है, और फिर ये सिलाई आगे की स्टार्ट कर लेना है। देखो कितना आसान तरीके से कोना मुड़ गया है। इसी सेम तरीके से हमें इस साइड भी लगा लेनी है, और इसका जब कोना आएगा यहाँ पे तो सेम ऐसे ही मोड़ लेना है जैसे हमने अब मोड़ा है। तो लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ पूरे कोने पे मोड़ के। ये देखो यहाँ पे एंड आ जाता है लेस का, तो कोना सेम तरीके से मुड़ेगा। और अब यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग कर देंगे लेस को, और ये जो एक्स्ट्रा मोती है इनको निकाल देंगे और इस धागे को यहाँ पे पक्का कर लेंगे, गांठ लगा लेंगे या फिर सुई से पक्का कर सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी रहेगी। इसको ऐसे घुमा के इसके नीचे रख के और यहाँ पे ऐसे कर देना है, और ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे सिलाई पक्की करके ऐसे निकाल देंगे, साथ में धागों की कटिंग करके फिनिशिंग कर देंगे। आप देखो मैं आपको ये दुपट्टा दिखाती हूँ कंप्लीट हुआ है। इस तरह से ये जो धागे निकल रही है या एक्स्ट्रा लेस बची हुई है इसको कट कर देंगे। देखो सारे कोने बहुत अच्छी तरह से इसमें मुड़ाई हो गई है सारे कोनों की, तो काफ़ी फिनिशिंग से लग गई है। ऐसे आप भी अपने दुपट्टे में लेस लगा सकते हो। अगर ये लेस बच जाती है तो आप ब्लाउज के नीचे किनारे पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे लगाने से ब्लाउज की फिनिशिंग और बढ़ जाएगी, और ब्लाउज की जो बाजू है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो लहंगा चुन्नी का सेम डिजाइन हो जाएगा और ये डिजाइन बहुत ही मस्त लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।